बढ़ते हैं आगे एक और बड़ी खबर के साथ। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के दो प्रावधानों को बदल दिया है। गिरफ्तारी से पहले इजाजत की जरूरत नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और साथ ही साथ कहा है कि गिरफ्तारी और गाइडलाइंस को लेकर फैसला गलत था, कानून बनाने का काम विधायिका का है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हमारे सहयोगी अरविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ा फैसला दिया? देखिए, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एससी एसटी एक्ट के मामलों में दुरुपयोग होता है और ऐसी सूरत में जांच से पहले, मुकदमा दायर हो उससे पहले एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी की का जो प्रावधान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। उसके खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए दलित समुदाय की तरफ से और उसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका पर जब सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज तीन जजों की बेंच ने माना है कि दो जजों की बेंच का फैसला गलत था। कोर्ट ने यह कहा है कि एससी एसटी समुदाय के लोग आज भी भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, आज भी अन्याय के शिकार हो रहे हैं और ऐसी सूरत में किसी एक्ट के दुरुपयोग का हवाला देकर उस एक्ट के प्रावधान को हल्का नहीं किया जा सकता। बेंच ने ये भी कहा कि पिछले साल जो दो जजों की बेंच ने गाइडलाइन बनाई थी कि किस तरीके से इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे गिरफ्तारी होगी और किन मामलों में गिरफ्तारी होगी, ये गाइडलाइन बनाना गलत था, ये काम विधायिका का है, कोर्ट का नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पुराना फैसला था उसको पलट दिया है आज तीन जजों की बेंच ने।